लगातार राजभर का क्या कुछ कहना है, हमारे सहयोगी अभिषेक ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। ओम प्रकाश, आखिरकार आज उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया है और अब एनडीए के गठबंधन का पार्ट है आप। पिछली बार भी हम बैठे थे, कुछ एक हफ्ता हुआ होगा, आपने कहा था कि अभी पटना में कार्यक्रम करेंगे, बहन जी को बुलाएंगे, उसके बाद तय करेंगे। नहीं देखिए असली आप लोग भी परेशान थे, हम भी परेशान थे। हमारी परेशानी के लिए किया आप? नहीं, दोनों लोगों की। सब लोग यही कहते थे कि राजभर किधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा पहले एक समस्या का हल किया जाए, तो अंदर तहखाने में जब हमने पता किया तो ये पता लगा कि बसपा सपा कभी एक नहीं हो सकते, ये लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है अकेले लड़ने के बराबर है। तो फिर हमने देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ जुगाड़ बैठाया, बात की, तो माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी गृहमंत्री, माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इन सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि राजभर को एनडीए में शामिल किए। जो उनकी लड़ाई है गरीब कमजोर वंचित शोषित पिछड़ी दलित को आगे बढ़ाने का, वो लोग भी धन्यवाद दे रहे हैं कि आप शामिल हो गए। आपने ट्वीट नहीं देखा अमित शाह जी का? मुझे तो आप लोगों के सहयोग और हमारे संघर्ष, माननीय अमित शाह जी का ट्वीट ये बताता है। ये एक जो नई गणित शुरू हुई कि दारा सिंह चौहान भी आ गए अंदर, अब बाई इलेक्शन पर आपके बेटे भी चुनाव लड़ेंगे और वो उनकी बाई इलेक्शन सीट पर ये लड़ेंगे, अफजाल अंसारी की बाई इलेक्शन की सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, ये गणित पहले से थी दिमाग में कि नहीं? नहीं, ये सूत्रों के हवाले से खबर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। देखिए सीटों के संबंध में और सारी बातें बताते रहेंगे, अभी हम एक लक्ष्य एनडीए में शामिल हैं, 18 तारीख को मीटिंग में जाएंगे, ये दो बातें क्लियर हैं और बातें सब क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर का पूरा परिवार माननीय बन जाएगा? अब ये बात तो आप कह रहे हैं, परिवार हमारा बहुत लंबा है। कोर परिवार? अरे भाई भारतीय समाज पार्टी एक लंबा परिवार है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बड़ा परिवार है, कहाँ संभव है। क्या ब्रेकअप क्या हुआ, आपने मांगी है 6 सीटें मांगी, ये सब बातें हैं? कुछ नहीं भाई, बताए ना आपसे, देखिए आप लोगों के भी दिल में धड़कन थी। लोकसभा चुनाव में आपकी परिभागिता रहेगी? बिल्कुल रहेगी, 18 को बताएंगे, 18 को बात करेंगे, जस जस वहाँ से बात फाइनल होगी तो फिर वहीं से बताते हैं। बात फाइनल किए तो आप आए नहीं होंगे यहाँ? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए दुनिया में कोई बात हम कहते हैं तो सच्चाई को जान के कहते हैं, झूठ नहीं बोलते, आपने देखा सामने प्रमाण है। और मैं इसी नाते आप लोगों के सामने नहीं खुद आ पा रहा था कि जब तक वहां से पुष्टि न हो जाए तब क्यों, तो वहां से पुष्टि हुई तो हम आपके सामने हाजिर हो गए। और भी कई लोग आएंगे पार्टी में शामिल होंगे, दारा सिंह चौहान जैसे या बाकी पार्टियों से जो लोग नाराज हैं, वो अब उनका नया उनका घर सुभाषपा बनेगी, यहीं बैठाएंगे अब आप लोगों को बुलाएंगे? दारा सिंह चौहान तो आ गए पार्टी में, एनडीए में हम लोग शामिल हो गए हैं। अच्छा, वो आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अब 18 के बाद बताएंगे, बुलाएंगे बताएंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे जो बता रहे थे बहुत सारी बातें 18 के बाद सौंपी, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज में फिर से वही कहा कि सीटों के ब्रेकअप की बात हो या बाकी राजनीतिक दलों से लोगों को लाने की बात हो, वो जो सस्पेंस बनाए रखते हैं वो सस्पेंस अभी भी बरकरार रखना चाहते हैं। कर्ण अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो इंडिया न्यूज से बोले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यह बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राजभर। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर, बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें कि बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव राजभर लड़ेंगे, अहम जानकारी इस वक्त ही हम आपको बता दें।